हेलो 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 हेलो। तो आप लोग अगर बेस्ट एंड परफेक्ट किचन चिमनी ढूंढ रहे हैं, वो भी बेस्ट ब्रांड का, जिसमें अपटार सेल सर्विस बहुत बढ़िया मिलेगा चिमनी लेने के बाद, किचन चिमनी, जी हाँ किचन चिमनी लेने के बाद आपको अपटार सेल सर्विस भी बढ़िया मिलेगा, एक ऐसा ब्रांड का चिमनी आप अगर ढूंढ रहे हैं, देन ये जो मॉडल आपको देख पा रहे हैं आप लोग, जिसमें आपको टच कंट्रोल से ऑपरेट कर पाएंगे, मोशन सेंसर से चिमनी को ऑपरेट कर पाएंगे, प्लस क्या है रिमोट कंट्रोल से भी चिमनी को ऑपरेट कर पाएंगे। तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जब जो मर्जी वैसे आप चिमनी को ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये जो मॉडल है ये एक वालपूल ब्रांड का चिमनी है, जिसका मॉडल नेम है वालपूल स्मार्ट हीट सेंसर। क्या है हीट सेंसर? हीट सेंसर के माध्यम से चिमनी का एक लेटेस्ट फीचर से, जो कि सिर्फ वालपूल ने ही निकाला है, इस फीचर्स का मतलब क्या है आगे बताते हैं, ठीक है। मॉडल नेम है स्मार्ट सेंस, जी हाँ एक जो मॉडल है ये स्मार्ट सेंस मॉडल है, स्मार्ट सेंस जेन CGFL904 हैक BLDC, जी हाँ BLDC, एक BLDC मोटर भी है। तो इस चिमनी में इतना फीचर्स है कि आप अगर आपका बजट अगर 20,000 के अंदर में है, देन ये वाला मॉडल आपके लिए ही है। 20,000 में एक बेस्ट चिमनी आपको मिल रहा है, जिसमें BLDC मिलेगा और भी बहुत सारा फंक्शंस मिलेगा, तो एक एक करके पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो जो भी इस चैनल में नया लोग जुड़े हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाइए एंड वीडियो को ज़्यादातर ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो मॉडल है लेटेस्ट मॉडल है, नया नया निकला है और लॉन्च होते ही हमने आपके पास ये वाला वीडियो लेकर आया हूँ, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में कॉन्वेक्स में दे देंगे, डायरेक्ट आप लिंक परचेज कर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं ये सब मॉडल, ठीक है। तो इसमें देखिए लेटेस्ट जो सेंस दिया गया, स्मार्ट सेंस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब भी आप ये चिमनी को चलाने के लिए, जब भी आप गैस को ऑन करेंगे, ऑन जब भी करेंगे तो उसका नीचे जब धुआं होगा, धीरे धीरे जब भी कोई खाना पकाएंगे, तो क्या चिमनी को आपको ऑफ कर ऑन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप प्लग सब कुछ स्विच व्विच अगर दिया हुआ रहेगा तो जस्ट आप गैस ऑफ को ऑन करेंगे, जो खाना पकाएंगे तो उसका हीट को सेंस करके चिमनी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आपको ऑन करने का टच से, स्विच से, या फिर मोशन सेंसर से, या फिर रिमोट कंट्रोल से ऑन करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली खुद ही ऑन हो जाएगा उसके बाद। ये तो हो गया पहला, इसीलिए इसको हीट सेंसर कहा गया। हीट सेंसर मतलब हीट, किचन चिमनी का जो हीट है वो ऑटोमेटिकली जब भी आप खाना पकाते, क्या होता है नॉर्मल जो टेम्परेचर अगर 27 डिग्री होता है, कोई भी टेम्परेचर अगर नॉर्मल है, उससे अगर उसका जो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो चिमनी उसको ऑटोमेटिकली सेंस करता है और चिमनी आपका ऑन हो जाता है। चिमनी में एक हीट सेंसर लगा हुआ रहता है चिमनी के जस्ट नीचे में, तो उसके वजह से चिमनी ऑटोमेटिकली ऑन होता है। ये तो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है, चिमनी को आप इसमें स्पीड बढ़ाने घटाने का जरूरत नहीं है, चिमनी में स्पीड बढ़ाने घटाने का जरूरत नहीं है, आपको करने का जरूरत नहीं, चिमनी खुद ही करेगा। चिमनी में किचन में जैसे धुआं आएगा उस हिसाब से स्पीड बढ़ेगा घटेगा, उस हिसाब से क्या होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी भी खर्चा कम आएगा, जिस क्योंकि जब जैसा धुआं होगा उस हिसाब से वैसे, तो आपको हैंड फ्री आपको रखेगा, आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। मतलब एक इंटेलिजेंट चिमनी आप ले रहे हैं मात्र 20,000 में ही। आप अगर 2 बर्नर कुकटॉप यूज़ कर रहे हैं, देन आप इसका 60 सेंटीमीटर 2 फीट का मॉडल लेंगे, साइज लेंगे। अगर आप 3 बर्नर कुकटॉप यूज़ कर रहे हैं, 4 बर्नर यूज़ कर रहे हैं, 5 बर्नर यूज़ कर, देन इसका 90 सेंटीमीटर साइज लेंगे। 60 एंड 90 दोनों साइज में अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है। उसके बाद ये जो है एक BLDC मोटर चिमनी, जी हाँ BLDC मोटर की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक खर्चा आपका कम आएगा। इन्वर्टर किचन चिमनी BLDC मोटर की वजह से आपका इलेक्ट्रिक खर्चा कम आएगा। और एक इन्वर्टर किचन चिमनी का क्या फंक्शन है, इन्वर्टर किचन चिमनी आपका घर में आपका एरिया में अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, मतलब जो भी चिमनी आप चलाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप चलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, तो इलेक्ट्रिक अगर आपका सही नहीं रहेगा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन अगर रेगुलर होता रहेगा, तो क्या होता है प्रोडक्ट के ऊपर उसमें आघात पड़ता है, तो प्रोडक्ट जल्दी ख़राब हो जाता है, सर्किट वर्किट जल जाता है। तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल में आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन का जो तोड़ दिया गया है इसमें, इसमें जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन अगर 40, देखिए यहाँ पर देखिए 40 वोल्ट एकदम लोएस्ट वोल्ट 40 वोल्ट तक आ जाएगा, एकदम हाईएस्ट वोल्ट 280 भी आ जाएगा, तो क्या होगा आपका चिमनी सेफ रहेगा, इसमें भी रन करेगा। लेकिन 40 वोल्ट का नीचे अगर आ जाएगा, उससे भी नीचे अगर आ जाएगा, तो चिमनी ऑटो शट डाउन हो जाएगा, एंड 280 ऊपर के भी ऊपर चला जाएगा तो ऑटो शट डाउन हो जाएगा। मतलब चिमनी आपका सेफ एंड सिक्योर रहेगा, क्योंकि होता है वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी हम और टाइम में किसी किसी एरिया में बहुत ही ख़राब रहता है, कभी आप कभी डाउन किसी भी आपका, तो इसमें क्या होता है चिमनी का सर्किट जल जाता है, मोटर ख़राब हो जाता है। तो ये वाला मॉडल अगर रहेंगे लेंगे तो आपका एरिया में अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम है वोल्टेज फ्लक्चुएशन का, देन उसमें कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा, ठीक है। तो एक बहुत बढ़िया दिया गया है।
सेकंड देखिए, बीएलडीसी मोटर की वजह से क्या होता है, 60% इलेक्ट्रिक 60% इलेक्ट्रिक खर्चा जो है कम आ जाता है। नॉर्मल कोई भी मॉडल से 60% इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कम आएगा। उसके बाद इसमें दिया गया पावरफुल सक्शन कैपेसिटी। जी हाँ, इसमें दिया गया पावरफुल सक्शन कैपेसिटी, जिसके वजह से आप अपना किचन में 2 से 30 फीट तक लंबा पाइप भी लगाएंगे, एंड आपका किचन अगर ओपन किचन बड़ा किचन है, डाइनिंग और किचन एक साथ में है, देन उस एरिया का धुआं को पूरा ही सक्स कर मतलब खींच के किचन से बाहर निकाल देगा। चिमनी आपका किचन को नॉर्मल टेम्परेचर में रखेगा, आपका जो है सफोकेशन फील नहीं करेगा आप अगर ये वाला मॉडल लेंगे, ठीक है। मतलब जितना भी ऑयली खाना आप बनाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस चिमनी के साथ, ठीक है। 2300 RPM मोटर के साथ आपको ये वाला मॉडल मिल जाएगा, और जिसमें आपको मिलेगा क्या मिलेगा, ब्रशलेस डीसी मोटर एंड ऑटो क्लीन प्रोसेस। जी हाँ, ऑटो क्लीन प्रोसेस के साथ क्या होता है, चिमनी जब भी आप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, अंदर में ऑयली ग्रीस जो है धीरे धीरे जमा हो जाता है, स्टिकी पार्टिकल्स अंदर में जमा हो जाता है, तो उसको क्लीन करना पड़ता है। तो उसको आप तो डेली तो क्लीन नहीं कर पाएंगे ना खोल के, वो आपका आपके लिए संभव नहीं है, तो उसके लिए टेक्नीशियन टाइमली टाइम बुलाना पड़ता है। लेकिन चिमनी में ही एक हीट ऑटो क्लीन प्रोसेस के माध्यम से आप चिमनी का जो अंदर को उसको क्लीन रख सकते हैं। हीट ऑटो क्लीन, जी ऑटो क्लीन प्रोसेस, ऑटो क्लीन प्रोसेस के माध्यम से अंदर में जो भी गंदगी जमा हो जाता है, स्टिकी ऑयल्स पार्टिकल, वो धीरे धीरे हीट के माध्यम से गल के इसका नीचे जो ऑयल कलेक्टर देख पा रहे हैं, ब्लैक स्टील का ऑयल कलेक्टर, इसमें वो गंदा ऑयल इसमें जमा होगा। तो ऑटो क्लीन फीचर्स भी इसमें दिया गया है। इंटेली स्पीड आपको तो ऑलरेडी हमने बता दिया है कि इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्टेड स्पीड बढ़ेगा घटेगा, लेकिन स्पीड कितना तक जाएगा, 24 स्पीड। कितना, 24। नॉर्मली आपको 3 स्पीड पता है कि चिमनी में 3 स्पीड होता है, 1, 2, 3, कि बीएलडीसी मोटर में 9 स्पीड होता है, लेकिन इसमें 24 स्पीड दिया गया है, 1 से 24 तक, ठीक है। और फंक्शन क्या है, रिमोट कंट्रोल, आप चिमनी को जब चाहे चिमनी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, चला सकते हैं, ऑटो क्लीन सब कुछ कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल के, जैसे कैसे चलाते हैं टीवी चलाते हैं वैसे ही। और इसमें क्या क्या दिया गया है, स्पीड 24 तक आएगा, RPM यहाँ पर शो करेगा कि मोटर कितना स्पीड में घूम रहा है, यहाँ पर शो करेगा आपका चिमनी कौन से स्पीड में चल रहा है वो भी शो करेगा, डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। कंट्रोल क्या है, कंट्रोल मतलब क्या क्या चीज़ से ऑपरेट कर सकते हैं, टच से ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे मोबाइल आप चलाते हैं टच कंट्रोल से, जेस्चर मोशन सेंसर सब चलाते हैं, जैसे कोई भी मशीन आप यूज़ करते हैं मोशन हाथ के सहारे हाथ घुमाते हैं चिमनी ऑन होता है ऑफ, वैसे ही रिमोट कंट्रोल से तो आपको पता है। और LED लाइट भी मिल जाएगा, चिमनी जब ऑपरेट करेंगे आपका किचन में अगर जो बल्ब लगा हुआ वो एकदम लो लाइट लगा हुआ, तो आप जो खाना पकाएंगे वहाँ पर आप ये जो चिमनी में LED लाइट दिया गया है आप उसको जला के अच्छा रोशनी के साथ खाना को अच्छा बढ़िया देख के पका पाएंगे, ठीक है। और स्मार्ट सेंस तो ऑलरेडी हमने आपको बता ही दिया है कि स्मार्ट सेंस का फीचर्स क्या, देखिए यहाँ पर हम पहले ही दिया गया, द किचन चिमनी इक्विप्ड विद थर्मल सेंसर दैट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट द चिमनी वंस द गैस स्टोव इज इग्निटेड, ठीक है। तो इसका मॉडल नेम आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है, इसमें ये वाला जो मॉडल है इसमें नॉइज लेवल कितना होगा, बीएलडीसी मोटर इसमें लगा हुआ जिसके वजह से इसमें 58 डेसिबल नॉइज लेवल है, तो एकदम स्टैंडर्ड नॉइज लेवल है, ज़्यादा आपको इरिटेशन नहीं होगा आप अगर ये वाला मॉडल लेंगे, ठीक है। यही एक ब्रांडेड चिमनी लेने का एक यही फ़ायदा है, क्योंकि आप किसी भी लोकल ब्रांड का ले लेंगे तो देखिएगा नॉइज लेवल बहुत 62-64, मतलब आप इरिटेशन होगा जब भी चिमनी ऑपरेट करेंगे। नंबर ऑफ स्पीड 24 इसमें दिया गया है। चिमनी का वजन है 1208 kg, मतलब 12 kg 800 ग्राम चिमनी का वजन है। ये 90 cm है, 90 cm का जो प्राइस है वो आपको हम बता देंगे कुछ देर में। और ये कार्ब ग्लास चिमनी है, ये वाला कार्ब ग्लास मॉडल है, मॉडल नेम आपको बता दिया है। और ये एक डक्टेड चिमनी है, आपको अगर इसको फिल्टर मतलब विदाउट डक्ट भी लगाना है, मतलब डक्ट तो है ही, तो इसमें कौन सा चारकोल फिल्टर आप यूज़ करेंगे उसके लिए कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका लिंक दे देंगे, आप परचेज कीजिए, उसको लगाएंगे खुद ही लगा पाएंगे। इसको आप क्या कर सकते हैं, विदाउट डक्ट भी लगा सकते हैं ये वाला मॉडल को, ठीक है। और ये वर्लपूल का ब्रांड है, तो वर्लपूल चिमनी आपको पता ही, लेकर वर्लपूल एक साथ में काम करता है तो पता ही आपको, ठीक है। इसमें सक्शन कैपेसिटी कितना है, 1425 2300 RPM के साथ 1425 में सक्शन कैपेसिटी मिल जाएगा, जिसमें आपको बिल्ट इन ऑयल कलेक्टर मिल रहा है, ऑटो क्लीन, LED फंक्शन। इसका प्रोडक्ट डायमेंशन हम आपको बता दें, प्रोडक्ट डायमेंशन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा घरों में कि किचन में मॉड्यूलर किचन बनाया जाता है, मॉड्यूलर किचन के लिए चिमनी के लिए जगह कितना छोड़ना पड़ेगा, आप अगर 90 cm ले रहे हैं देन इसका जो विथ है लेफ्ट से राइट साइड का ग्लास का विथ वो 90 cm है, एंड इसका जो
एल है लंबाई, लेंथ है वो पीछे से आगे का जो ग्लास है वो 42.5 सेंटीमीटर एंड इसका जो हाइट है 48 सेंटीमीटर चिमनी का नीचे। ये जो प्रोडक्ट डायमेंशन हमने बताया है, चिमनी का जो मेजरमेंट कैसे किया जाता है आपको जानना है, इस वीडियो के एंड में एक वीडियो मिल जाएगा, वो वाला वीडियो देखिएगा, आपको चिमनी का डायमेंशन कैसे नापा जाता है आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। और देखिए सबसे जो चीज़ आपको हमने बता रहे हैं, डेट ऑफ फर्स्ट अवेलेबल 13 फरवरी 2024, तो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है और कुछ ही दिनों में ये जो है ऑनलाइन में अवेलेबल हुआ है, और आपको नियरेस्ट किसी भी रिटेल शॉप से जाएंगे तभी नहीं भी मिल सकता है, तो ऑनलाइन में अवेलेबल है, लिंक हम दे देंगे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, फाइट उसे परचेज कर सकते हैं। पेकार कौन है, इलिका लिमिटेड, तो ये महाराष्ट्र इंडिया, तो एक मेड इन इंडिया चिमनी है आपका, अगर मेड इन प्रोडक्ट लेना देन ये वाला मॉडल आपके लिए ही है, ठीक है। चाइनीज प्रोडक्ट अगर नहीं लेना देन आपके लिए ये वाला मॉडल, ठीक है। तो 90 सेंटीमीटर लेंगे तो 19,990 रुपये में आपको मिल रहा है, अगर इसका 60 सेंटीमीटर लेंगे तो 17,990 रुपये में 17 प्रोडक्ट 60 सेंटीमीटर का प्रोडक्ट डायमेंशन यहाँ पर देख लीजिए, 60 सेंटीमीटर के लिए जो प्रोडक्ट डायमेंशन वो आपको हम बता देते हैं वो भी, क्योंकि 60 सेंटीमीटर के लिए प्रोडक्ट डायमेंशन आपका बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ जो है विथ जो है विथ 66 सेंटीमीटर हो जाएगा, बाकी जो आपका एल एंड हाइट बाकी सेम रहेगा, सब कुछ फंक्शन सेम रहेगा, सिर्फ आप 60 लेंगे समान साइज के हिसाब से साइज छोटा लेंगे तो प्राइस घट जाएगा, करीबन आपका 2000 कम आएगा, आपको बेनिफिट होगा। तो ठीक है, दो बर्नर यूज़ कर रहे हैं तो 60 सेंटीमीटर लीजिएगा आपका ही बेनिफिट होगा, अगर 3 बर्नर यूज़ कर रहे हैं तो 90 सेंटीमीटर लेना ही होगा, क्योंकि वो 2 बर्नर आपका कवर मतलब 3 बर्नर कवर नहीं करेगा 60 सेंटीमीटर साइज, ठीक है। मॉडल नेम हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है और इसमें जो जो फंक्शन है वो सब कुछ हमने आपको बता दिया, तो बेस्ट अगर किचन चिमनी चाहिए देन ये वाला जो मॉडल है, लेटेस्ट किचन चिमनी आपको चाहिए तो ये वाला मॉडल आपके लिए ही है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कर दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पास शेयर कीजिए एंड लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।